चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या करा है, इन एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम सी टू फोर सी फॉर द सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम एल टू, कितना चेंज होना चाहिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, न्यू आर वन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल वन सी वन और न्यू आर टू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल टू सी टू। और क्वेश्चन में क्या है, न्यू आर वन इज इक्वल टू न्यू आर टू इक्वल है, तो ये होगा 1/2 पाई अंडर रूट एल वन सी वन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल टू सी टू। तो 2 पाई से 2 पाई गया, 1/L1C1 इज इक्वल टू 1/L2C2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कैसे, अगर मैं ऐसे लिख दूं L1/L2 इज इक्वल टू C2/C1। तो C की वैल्यू, ये C1 है ये C2 है, C2 की वैल्यू है 4C/C, तो ये L1/L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं L2 इज इक्वल टू L1/4, L1 की वैल्यू L है, L/4 हो जाएगा L2 की वैल्यू, L/4 कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है।